अब हम थोड़ी देर यहाँ टाइम बिता के जाएंगे जहांगीर आर्ट गैलरी, जहाँ पर कि एक एग्जीबिशन ऑलरेडी चल रहा है। आपको उस एग्जीबिशन के बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हम जा रहे हैं जहांगीर आर्ट गैलरी, यहाँ से 800 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ से हमें वॉकिंग से 11 मिनट लगने वाले हैं। बहुत ही बिजी रोड है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पब्लिक है रोड के ऊपर। आज सैटरडे है तो बहुत लोग साउथ बॉम्बे घूमने भी आते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जहांगीर आर्ट गैलरी, देखते हैं अंदर कैसा एग्जीबिशन है। वो अलाउ करते हैं कि हमें फ़ोटोग्राफी के लिए, चेक करके फिर आपको नीचे अंदर ले चलेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर जहांगीर आर्ट गैलरी। दोस्तों जहांगीर आर्ट गैलरी ये जो है साउथ बॉम्बे में स्थित है और इसके पास में एक जगह है, इसका नाम है काला घोड़ा। और जहांगीर आर्ट गैलरी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडिया की वन ऑफ द रिनाउंड आर्ट गैलरी है और इसमें एग्जीबिशन करने के लिए काफ़ी दिनों तक आपको वेट करना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है, सालों तक भी कभी कभी वेट करना पड़ता है। बहुत रिनाउंड एक आर्ट गैलरी है। यहाँ पर एग्जीबिशन एक अपने आप में अचीवमेंट होता है कुछ लोगों के लिए। मैं भी बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर अभी तक मुझे कोई स्लॉट मिला नहीं है। ये आर्ट गैलरी जो है काउसी जहांगीर इन्होंने बनाई थी और ये 1952 में इस गैलरी का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो इस आर्ट गैलरी को विज़िट करने के लिए हमारा प्लान थोड़ा एडहॉक था। मेरी आज एग्जीबिशन है ताज महल मुंबई में और मुझे एक अवार्ड भी मिलने वाला था, तो मैं उस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने आया था। थोड़ा टाइम था हमारे पास तो हमने सोचा चलो जहांगीर आर्ट गैलरी भी जाके घूम के आते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं काफ़ी डिसेंट वर्क है यहाँ पर लगा हुआ। एक एक पेंटिंग यहाँ पर यूनिक है, वुड कट स्टाइल की ये पेंटिंग है। देखिए इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व रहती है इस तरह की पेंटिंग्स में, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब हम जहांगीर आर्ट गैलरी में आए तो हमें पता चला यहाँ पर एक समारोह है जहाँ पर श्री जयप्रकाश जगताप सर को अवार्ड मिलने वाला है, उनको सम्मानित किया जाने वाला है। जयप्रकाश जगताप सर पुणे के एक रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और उनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, आज मुझे फिर से उनसे मिलने का मौका मिला। तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, इस वीडियो में मैंने वो बातचीत कैप्चर की है, आप ज़रूर देखिएगा। कितने हम्बल पर्सनालिटी है, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊं कि जयप्रकाश जगताप सर की बहुत सारी बुक्स हैं जिन्होंने मराठी और इंग्लिश में लिखी हुई हैं और वो सारी बुक्स अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं, आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं अगर आर्ट में इंटरेस्ट है। किस तरह से हम आर्ट की हिस्ट्री जान सकते हैं, वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री जान सकते हैं, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, तो बहुत ही रिच है एज एन आर्टिस्ट। और जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उतना ही हम्बल होता है जैसा कि मैंने बताया। तो मुझे उनसे पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा, आप भी देखिएगा जब वो बात करेंगे तो कितना सॉफ्टली बात करते हैं। दोस्तों एक एक पेंटिंग देखकर ऐसा लगता है कि बस वहीं ठहर जाएं और उस आर्ट वर्क को देखते रहें, क्योंकि इतना डिटेल आर्ट वर्क और इतना क्लासिक आर्ट वर्क आपको शायद कहीं और देखने को मिले। एक एक आर्टिस्ट रिनाउंड है यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का वर्क है और बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ। मेरे को मतलब जो टाइम है वो कम पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारा काम देखना है और समय बहुत कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ही रुक के एक एक पेंटिंग को टाइम दे के समझ के और इन्जॉय करना है। बट
बिकॉज ऑफ द टाइम मेरे को थोड़ा रश थ्रू करना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी समय आइए, कोई ना कोई एग्जीबिशन यहाँ ऑन रहती है और बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट और प्रोफिशिएंट आर्टिस्ट की एग्जीबिशंस रहती हैं, तो काम जो भी होता है वो एक स्टैंडर्ड का रहता है और बहुत ही मतलब आप यहाँ सीख सकते हैं आके। चलो अब हम मिलते हैं श्री जय प्रकाश जगताप सर से। सर आप यहाँ पे प्रिंट का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है बिनाले है, ललित कला द्वारा ऑर्गेनाइज है, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट ने काम किया है और यंग जनरेशन भी आ गई है, गौड़ा है और सब बड़े बड़े आदमी है और बहुत अच्छा काम किया है कि उसमें स्किल ज़्यादा लगता है जी, और जितना बार प्रिंट करते हैं कलर तो बहुत डिफिकल्ट रहता है जी जी, तो उसको एक कम से कम पेशेंस चाहिए और स्किल भी चाहिए दोनों। सर और कंपोज भी बहुत अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है हाँ, तो उसके बारे में बताइए सर। मुझे अपने कल्चरल डिपार्टमेंट इंडिया का सेंटर का प्राय ये मिला है, फेलोशिप मिला है महाराष्ट्र में और उसमें कुछ काम करने का है, तो मैंने कालिदास एकेडमी, कालिदास का महाकवि कालिदास है उसका रघुवंश लिया है काम करने के लिए और वो जाएगा तो बाद में शकुंतल लेंगे, तो वो राम की 5-6 पीढ़ी से पहले से मैं काम कर रहा हूँ कि उसके बारे में कुछ मालूम नहीं ज़्यादा लोगों को, तो ऐसा कर रहे 1.5x2 का पेंटिंग है, चल रहा है काम और फेलोशिप मिली थी तो अभी चैलेंज है। जी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों हमने जहांगीर आर्ट गैलरी का आपको पूरा प्रदर्शनी दिखा दिया है, अब हम जा रहे हैं लंच के लिए।